जय गुरुदेव। उत्तर प्रदेश के एक ठाकुर साहब, उन्होंने परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से आकर नाम दान लिया और कुछ दिन बाद उन्होंने स्वभाववश फिर से शराब पीना शुरू कर दिया। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज से कोई बात तो छुपी नहीं रहती और लोग ये समझने लगते हैं कि कौन देखता है, कुछ भी करो। तो ठाकुर साहब के घर वालों और यार मित्रों को भी कुछ मालूम नहीं हुआ, वे फिर से शराब पीने लगे हैं और सबसे छुपकर एकांत में पीते हैं। कुछ महीनों तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक दिन ठाकुर साहब का बड़ा लड़का गांव में कहीं जा रहा था कि संयोगवश एक ट्रैक्टर के नीचे आ गया, अर्थात उसका एक्सीडेंट हो गया। इतनी गंभीर चोट लगने के बाद उस लड़के का बेहोश होना स्वाभाविक सी बात, कोई अंग भंग तो नहीं हुआ लेकिन मौत के मुंह से बचकर वापस आ गया। और फिर जब उस लड़के को घर लाया गया तो लड़का रो रो कर यही बात बोल रहा था कि स्वामी जी कह रहे थे तुम्हारे बाप ने मुझे धोखा दिया है और शराब पीने लगे, बार बार स्वामी जी यही बात बोले। तो घर वाले ये सारी बात तो समझ नहीं पाए और ना ही लड़के के बात पे विश्वास किया, क्योंकि घर वाले सब यही जानते थे कि ठाकुर साहब ने स्वामी जी महाराज से नाम दान ले लिया है और शराब छोड़ चुके हैं। लेकिन ठाकुर साहब को लड़के की बात सुनकर बड़ा ही गहरा सदमा लगा और फिर उस दिन से उन्होंने शराब को त्याग दिया और सौगंध ली कि अब कभी भी शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तो हम सोचते हैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज को क्या पता लगेगा, हम कुछ भी करें लेकिन वो प्रभु अंतर्यामी हैं, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। आप सभी को सादर जय गुरुदेव।